नमस्कार। पीएससी पार्ट सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी अपन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। आज हम सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y(dx)2 + p(dy)dx + q(y) = r, जहाँ p, q, r आर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो अपना स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो इसको अपन सोल्व करने की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोस के अंदर हमने इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला था, और जबकि हमारे पास पार्ट ऑफ सी एफ पता हो, और उसके बाद के अंदर अपन ने सॉल्यूशन निकाला जबकि पार्ट ऑफ सी एफ अननोन था, लेकिन हमने उसको नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तन करके और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला। आज हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है परिवर्तन करेंगे अपन, करना है अपन को यहाँ पर x को z में। तो ये रहेगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल या ट्रांसफर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z। तो x से z, जो x है उसको अपन z में परिवर्तन करके और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि x से अगर z में परिवर्तन कर देते हैं तो हमारे दी हुई समीकरण में क्या क्या परिवर्तन आएगा। dy अपॉन dx हमारे पास रहेगा dy अपॉन dz एंड dz अपॉन d ऑफ x। एंड नेक्स्ट अगर अपन लें d2y dx स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अपने पास, दिस विल बी dy dx एंड dy dx dx अपॉन dy dz कर देंगे इसको, एंड dy अपॉन dx जो वैल्यू अभी आई है अपने पास, dy अपॉन dz एंड dz अपॉन d ऑफ x एंड dz अपॉन dx। तो यहां से देखिए dy dx इसको मैंने परिवर्तित कर दिया dy dz एंड dz अपॉन dx से। dy dx का जो प्रमाण आया अभी dy dz अपॉन dx ये रख लिया। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, तो यहां से आएगा d2y dz स्क्वायर पहली टर्म्स का डिफरेंशिएशन, एंड dz अपॉन dx हेज ही रहेगा, एक dz अपॉन dx बाहर से और आ जाएगा, तो दिस इज होल स्क्वायर प्लस dy dz, इसको हेज ही रखेंगे अपन, dz अपॉन dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा d2z अपॉन dx स्क्वायर, एंड dx हो तो dx अपॉन dz, ये बन गया अपने पास वैल्यूज। तो ये मान ये दो नंबर लगा देते हैं, इसका तीन नंबर लगा देते हैं, तो दो व तीन से समीकरण दी गई समीकरण एक में मान रखने पर d2y dx square, this will be d2y dz square and dz upon dx whole square plus d2z upon dx square and dy dz plus p into dy dx, dy dx is dy dz एंड dz अपॉन d ऑफ x प्लस q
इंटू वाई इज इक्वल टू आर। तो अपने पास यहां पर बनता है अभी जो सोल्व किया अपन ने डी टू वाई डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी जेड की दो टर्म्स आ गई, एक टर्म्स आ गई डी टू जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई ऑफ डी जेड प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। या इक्वेशन प्राप्त हो गई डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी ऑफ एक्स होल स्क्वायर एंड डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन जो है इक्वेशन थी अपने पास दी गई समीकरण थी डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू आर। जब एक्स को जेड में परिवर्तित करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है अपनी डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई अपॉन डी ऑफ जेड प्लस क्यू वन इंटू वाई इज इक्वल टू आर वन, जहां अपने पी वन जहां पी वन अपना बना पी डी जेड अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अपना क्यू वन जो बना दिस इज क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एंड जो आर वन बना आपका दिस इज आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये जो पी वन क्यू वन आर वन अपने पास नए प्राप्त हो गए इन पी वन क्यू वन आर वन को अपन समीकरण नंबर दो में रख लेंगे। ये अपने पास एक नंबर समीकरण थी, ये हमारे पास दो नंबर समीकरण है और इनको रखकर अपन हमारी दी हुई इक्वेशन को y को z के रूप में मान निकालेंगे और फिर जो भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन लिया है x टू z उसके z का मान वापस x में रखकर सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए अपन यहां चर्चा करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन किस तरह का रहेगा। तो यहां दो स्थिति रहेगी अपने पास, जब P1 जो है वो जीरो हो जाए। देखिए इक्वेशन अपने पास ये आई, अब इसमें सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या स्थिति रहेगी ये देखते हैं अपन। कि यदि P1 का मान शून्य आ जाए, जब P1 का मान शून्य आ जाएगा हो तब पी डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। या अपन कहें कि डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स हमारे पास यहां से आ जाएगा
log of dz upon dx is equal to minus integration p dx, या मैं कहूं कि dz upon dx is equal to exponential of integration minus p of dx, and z is equal to integration exponential, इसका एक बार और integration कर लेंगे, minus p dx and dx. तो ये जो मान आएगा आपके पास, ये z का मान दे देगा, और साथ में p1 जीरो है. अब इस स्थिति में दो केस बनते हैं. पहला केस, आपका जो q1 है, जो आया वो q1 अचर हो जाए, तब समीकरण दो बन जाएगी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद, जो अपने पास दो नंबर समीकरण थी तब समीकरण दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और जिसको आप सोल्व कर सकते हैं, हमें पता है. स्थिति नंबर दो, Q1 आपका कोई अचर क्वांटिटी अपॉन z स्क्वायर बन जाए, तब उस केस में, तब समीकरण दो जो है वो समघातीय समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी, और उसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं, जो अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की थी, उस मेथड से सोल्व कर लेंगे. तो अगर P1 बराबर जीरो लें, ये तब है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जब x को z में परिवर्तित किया तो ये फॉर्म प्राप्त हुआ, और इसमें अगर P1 जीरो है तो उस केस के अंदर हमारा z क्या रहेगा और Q1 क्या स्थिति रहेगी. तो Q1 अगर कांस्टेंट आता है तो हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं. Q1 अगर z अचर अपॉन z स्क्वायर की टर्म आता है तो भी हम हमारे दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं. दूसरा हम ले अपन सीधा, यदि हम Q1 बराबर Q अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर को अचर मान लें, अचर मान लें, तो उससे हमें dz अपॉन dx का मान निकालना सुविधाजनक रहेगी, कि dz अपॉन dx आपका रूट ऑफ q की फॉर्म का आ जाएगा. तो उस केस के अंदर, चलिए अगर मैं इसको a मान लेता हूं, तो उस केस के अंदर मेरे पास सीधा जो dz अपॉन dx है का होल स्क्वायर जो आएगा, दिस इज q अपॉन a, या dz अपॉन dx इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट q अपॉन a अपने पास वैल्यू रहेगी. तो ये हमारे पास इस तरह से एक मान प्राप्त हो सकता है, कि q का मान, z का dz अपॉन dx का मान आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो z का मान आ गया. इस स्थिति में भी वही रहेगा कि अगर आपका P1, नया P1 इस स्थिति में हमारे पास Q1 अचर आ गया और P1 है वो अचर आ जाए प्राप्त हो, तो समीकरण दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएगी. कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएगी और आप उसको पुराने वाले मेथड से सोल्व आसानी से कर लेंगे. लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको परिवर्तित करके सोल्व कर लें। अगर हो रहा है इस तरह से सॉल्यूशन में तो ही हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लागू करेंगे, क्योंकि ये अपन शुरू में पर चर्चा कर चुके कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकाल पाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग मेथड से हम अलग अलग टाइम सोल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने देखा कि अगर दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट ऑफ सी एफ अगर आपको पता है तो हमारे पास एक मेथड आया कि हमारे पास पार्ट ऑफ सी एफ है और उस केस के अंदर हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई बराबर पार्ट ऑफ डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ इंटू वी मानकर सोल्व कर रहे थे, वाई इजिकल टू यू इंटू वी मानकर सोल्व कर रहे थे और सॉल्यूशन आया। दूसरा हमने कहा कि चलिए हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका पार्ट ऑफ सी एफ नहीं पता लेकिन एक सॉल्यूशन का पार्ट यू इस तरह से आ सकता है कि हमारे दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इजिकल टू एस में परिवर्तित हो जाती है और वो एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, जिसका कि सॉल्यूशन करने का तरीका अपन ने पिछले जो प्रीवियस वीडियोज है उनमें अपन ने पढ़ा। तो अलग अलग टाइप से अपन हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जो मेथड्स लागू हो जाता है उसी को अपन उसी मेथड से सोल्व कर लेंगे। ओके, अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जो अभी अपन ने लिया कि क्यू वन इजिकल टू क्यू डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर को अचर लेके हमारे ज्यादातर क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे। उस केस के अंदर आइदर पी वन अपने पास जीरो आएगा और पी वन अपने पास अचर आएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर, एंड प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस फोर वाई इजिकल टू जीरो, ये अपन को दे रखा है। इसको सोल्व करना है तो सॉल्यूशन रहेगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म में परिवर्तित करेंगे पहले इसको, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है सॉरी, एंड डी वाई अपॉन डी एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर इसके नीचे रखेंगे तो ये कट जाएगा, एंड प्लस फोर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई इजिकल टू जीरो। यहाँ हमारे पास पी बना ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, क्यू जो बना दिस इज फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास क्यू। तो हम क्यू वन अपने पास होता है क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर इसको अचर लेने की कोशिश करते हैं तो डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है इसको अपन टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर चूज कर सकते हैं। हमारा एम ये है कि एक्स को जेड में परिवर्तन करना है जिससे क्यू वन अचर प्राप्त हो, ये अपना एम है। तो क्यू वन इजिकल टू ये है तो मान लेंगे अपन क्यू अपने पास ये है तो मान लिया कि डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर दिस इज नथिंग बट द फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इससे मेरे पास आ जाता है क्यू वन इजिकल टू वन अचर आ गया और डी जेड अपॉन डी एक्स
कहाँ पर जो मान प्राप्त आएगा अपने पास वो आ जाएगा ट्वाइस अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स जेड इज इक्वल टू ट्वाइस टेन इनवर्स एक्स। तो जेड इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स अगर इसमें ले लें, मतलब इसको अपन एक्स इज इक्वल टू टेन जेड वाई टू ले लेते हैं, तो ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन नई डिफरेंशियल इक्वेशन में प्राप्त हो जाएगी। और इस केस के अंदर पी वन क्या आएगा अपने पास, पी वन अपना होता है अभी अपन ने लिखा था पी वन इज इक्वल टू, देखिए पी वन का मान आया था अपने पास पी डी जेड अपॉन डी एक्स डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए पी वन का मान निकालते हैं, पी वन इज इक्वल टू था पी डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो पी वन का मान मैं अगर निकालूं दिस विल बी पी, पी अपने पास है यहाँ पर ट्वाइस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करें अपन टू अपॉन वन प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको डिफ्रेंशिएशन करें तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा अपने पास माइनस फोर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स अपने पास था फोर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन ये आपका जीरो दे देगा तो दिस इज वैल्यू इज जीरो। तो यहाँ अपने पास आ गया कि पी वन बराबर जीरो, क्यू वन बराबर वन, अतः दी गई समीकरण निम्न समीकरण में परिवर्तन या परिवर्तित होगी, क्या था आपके पास डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन इज जीरो डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वन इज वन इंटू वाई इज इक्वल टू आर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, दिस इज। तो हमारे पास आ गया डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम आसानी से सरल कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन रहेगा अपने पास यहाँ डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो, मीन्स डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वाई इज इक्वल टू सी वन ऑफ कोस जेड प्लस सी टू ऑफ साइन ऑफ जेड। अब देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स नहीं अभी जेड है, तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू सी वन कोस एंड जेड, जेड का मान आया था अपने पास टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ आ जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी टू साइन ऑफ टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। थोड़ा और सरल कर लेते हैं, कोस टू टेन इनवर्स एक्स दिस इज नथिंग बट द वन प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी टू साइन, एंड साइन के केस में होता है अपने पास ट्वाइस ऑफ एक्स, दिस इज ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो सॉल्यूशन इज वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इंटू सी टू। तो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दी हुई थी, जिसके अंदर आपके जो कोफिशियंट थे दैट वेरिएबल कोफिशियंट थे। यहाँ इस केस के अंदर हमने एक्स को जेड में परिवर्तन करना
सारे थे, जिससे कि क्यू वन अचर था। तो हमने अगर x को z से परिवर्तित करते हैं तो हमने इस समीकरण को कहते हैं कि ये समीकरण डी टू वाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन में परिवर्तन होती है। तो जहाँ क्यू वन का मान क्यू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है, और इसको अपन अगर अचर मान लेते हैं, इसको अचर मान प्राप्त करें, तो अचर प्राप्त करने के लिए ये अपना एम था कि अचर प्राप्त करना है। तो इस अचर प्राप्त करने के लिए अपने डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ये मान लिया, क्योंकि क्यू ये दे रखा है तो इसका इसी में भाग लगा देंगे तो अचर एक आ जाएगा। और जब डी जेड अपॉन डी एक्स को ये मानते हैं तो उससे जेड का मान एक्स के रूप में प्राप्त हो गया, जेड इज इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स, और पी वन का मान हमारे पास यहाँ पर जीरो मिल गया। तो दी गई समीकरण जो है वो एक बहुत ही सिंपल सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट वेरिएबल के अंदर बदल गई, डी टू वाई डी जेड स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, जिसका आसानी से सरल अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।